बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा जरमीना जर। पेश है अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा जनूबी अफ्रीका की तारीखों का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम अप्रैल में जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी, जिसमें 3 एक रोजा और 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम 26 मार्च को जोहान्सबर्ग रवाना होगी। 2, 4 और 7 अप्रैल को 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले जाएंगे। यूनान में मौसीकार का अपने अंकल को अनोखे अंदाज में खराज तहसीन। मौसीकार ने कब्र से ढांचा निकाल कर गिटार बना लिया। उनका कहना है कि अंकल ने जदीद आलात मौसीकी की तरगीब दी थी और वो अब ये देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। अमेरिका में 130 जायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास में 130 से जायद गाड़ियां टकराने का वाकया बारिश और तूफान के बायस सड़क पर फिसलन की वजह से पेश आया। मोदी हुकूमत ने अपनी एयरफोर्स को 45 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया। भारतीय वजीर दिफा ने एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 6 अरब डॉलर ठेके से नवाजा। भारतीय नेवी जहाजों को टेक्निकी मसाइल की वजह से मुस्तरद कर चुकी थी। नतीजन जहाज भारतीय मिग 21 के नेमुल बदल के तौर पर मुतारिफ कराए जा रहे हैं, जबकि मिग 21 के हादसात में 170 से जायद पायलट और 40 शहरी हलाक हो चुके हैं। जोई में डाकुओं का राज कायम, चोरी डकैती रोज का मामूल। एक रोज में 2 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। दूसरी जानब जोही की सियासी समाजी सिविल सोसाइटी की जानब से जोही मेन रोड पर एहतजाज। ये थी हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com। हमारे साथ रहिए। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की और पंजाब की मजमूई सूरत-ए-हाल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने दौरे लाहौर के दौरान जिलानी पार्क लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट के आगाज की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि वज़ीर आज़म को लाहौर में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। माहौलियाती तहफ़ के लिए इब्तदाई तौर पर 51 अरब फॉरेस्ट साइट्स के हदफ की तकमील में पेशरफ्त पर भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म सूबे पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की फराहमी, सब्जी मंडियों की तादाद में इजाफे और आटे की कीमत में कमी लाने के इकदाम के हवाले से भी इजलास की सदारत करेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस GDA ने सेनेट के लिए सैयद सदुद्दीन शाह राशिदी को अपना मुत्तफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इस बात का फैसला हुरों के रूहानी पेशवा और GDA के सरबरा पीर साहब पगारा की सदारत में कंगरी हाउस कराची में मुनक्किद इजलास में हुआ। इजलास में कोर कमेटी के शुरका ने उमर कोट के जिन इंतखाबात के बाद फंक्शनल लीग खुसूसन हुर जमात के सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ जिले इंतजामिया की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों और FIR की सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हुए डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम को खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने जिस बहादुरी हिम्मत से सिंध हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और तमाम धांधली के बावजूद 32,000 से ज्यादा वोट लेकर यह साबित कर दिया कि GDA सिंध में हकीकी इत्तेहाद है जो पीपल्स पार्टी के 13 साल सियाह दौर का खात्मा कर सकता है। इजलास में शुरका ने सेनेट इलेक्शन के बाद अपनी सियासी जद्दोजहद को मजीद तेज करने का भी फैसला किया और अवामी मसाइल खुसूसन सिंध से एहसास महरूमी को खत्म करने का आजम किया। वजीर आला सिंध और मेरी कुर्सी का फासला कम रह गया। वजीर आला को डर है कि कहीं मुझसे कुर्सी तब्दील ना हो जाए। जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में ना इंसाफियों की हुकूमत है, मेरे नाम एराजी का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में भी जमा है। हलीम आदिल शेख ने निजाम आयद करते हुए कहा कि एक वजीर ने मुझ पर फायरिंग कराई, हम अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अपने एराजी के एक एक इंच के कागजात मौजूद हैं, लीज की जमीन के दस्तावेजात होते हैं, वो तजावेजात नहीं होती। उनका कहना था कि मेरा कसूर यह है कि हक और सच बोलता हूं। जुही में डाकुओं का राज, चोरी डकैती रोज का मामूल। एक रोज में 2 मोटरसाइकिलें छीनी गई। दूसरी जानिब जुही की सियासी समाजी सिविल सोसाइटी की जानिब से जुही मेन रोड पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में PTA MPA के उम्मीदवार सरदार इमदाद खान लगारी, मोहम्मद अमीन भोगियो, खलील सुमरो, तनवीर उस्तमानी, खाचो के नौजवान इत्तेहाद के सरबरा इरफान लगारी शामिल थे। मुजाहिदीन का कहना था कि जुही में आए दिन डकैती की वारदात से आम शहरियों में खौफ और रास फैल गया है। IG सिंध समेत आला हुकाम से अपील करते हैं कि नायल SHO SP को हटाया जाए।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा जनूबी अफ्रीका की तारीखों का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम अप्रैल में जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी, जिसमें 3 एक रोजा और 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम 26 मार्च को जोहान्सबर्ग रवाना होगी। 2, 4 और 7 अप्रैल को 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का पहला और तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच प्रोटिया में, जबकि एक दूसरा वनडे मैच जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। कौमी टीम ने 3 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 से क्लीन स्वीप शिकस्त दी थी। इसके अलावा गुज़श्ता रोज खेले गए T20 मैच पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 रन से शिकस्त दे दी थी। भारत में रिक्शा ड्राइवर की बेटी मिस इंडिया 2020 की रनर अप बन गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रिक्शा ड्राइवर की बेटी मानिया सिंह मिस इंडिया 2020 का खिताब जीतने की दौड़ में शामिल थी। साबका मिस वर्ल्ड और अदाकारा मनुषी चिलर ने मानिया सिंह पर फख्र करते हुए खुशी का इजहार किया। अपनी जद्दोजहद के बारे में बताते हुए मानिया ने कहा कि उन्होंने सख्त मुश्किल हालात का सामना किया और अक्सर रातें बगैर कुछ खाए जाग कर गुजारी। किराया बचाने के लिए मीलों का सफर पैदल तय करती थी और आज मेरी मेहनत रंग ले आई। उन्होंने कहा कि गरीब रिक्शा ड्राइवर की बेटी होने की वजह से मेरा स्कूल जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैंने इब्तदाई जिंदगी में ही काम करना शुरू कर दिया था। ताहम मेरे वालदेन ने जेवरात बेचकर मेरे इम्तिहान की फीस अदा की। मेरे वालदेन ने मेरे लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। मानिया सिंह ने कहा कि मैं सुबह पढ़ती, शाम को बर्तन धोती और रात को कॉल सेंटर में काम करती थी। उन्होंने कहा कि आज इस मकाम पर मैं अपने वालदेन और छोटे भाई की वजह से पहुंची हूं, क्योंकि उन्होंने हर मौके पर मेरी रहनुमाई की। और मैं आज दुनिया को बताना चाहती हूँ कि अगर अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कोशिश करते हैं तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यूनान में मौसीकार ने कब्र से ढांचा निकालकर गिटार बना लिया। गैर मुल्की खबर असा एजेंसी के मुताबिक यूनान में मौसीकार ने अपने अंकल को अनोखे अंदाज से खराज तहसीन पेश किया। मौसीकार ने अपने अंकल की कब्र से ढांचा निकालकर गिटार बना लिया। यागो नामी गुलकार के मुताबिक उनके मरूम अंकल फ्लिप का इंतकाल 1996 में कार हादसे में हुआ था, जब वो 28 साल के थे। उन्होंने कहा कि इसे जदीद आलात मौसीकी की तरगीब दी थी और वो अब ये देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। 41 साल गुलकार अपने अंकल के ढांचे से इलेक्ट्रिक गिटार बनाने में कामयाब हो गया। उनका कहना था कि रीढ़ की हड्डी ज्यादा सख्त होने की वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ा, ताम इससे स्टील की रॉड और ब्रेक की मदद से मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि ये गिटार भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह दीगर गिटार काम करते हैं। ये थी तफसीली खबरें। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com।